नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी, मैं बहुआ। इंडिया साउथ अफ्रीका स्पेशल रणतंत्र देख रहे हैं आप। करीब दो हफ्ते पहले हमने एक वीडियो डाली थी। वीडियो में हमने आपको बताया था कि हर कप्तान का एक सिपाही सालार होता है, वो खिलाड़ी जो कैप्टन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। गांगुली के लिए वो सचिन थे, धोनी के लिए पहले युवराज, फिर कोहली, और अब खुद कोहली के लिए पहले बुमराह और फिर रोहित शर्मा ने ये काम किया। ऐसे में सवाल था कि रोहित की वजह से जो वैकेंसी है वो कौन फिल करेगा। हमने अपना दाम लगाया था ऋतुराज गायकवाड़ पर। कई लोगों का मानना था भैया वो तो टीम का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन हमारा मानना था कि टैलेंट वालों के घर में देर है अंधेर नहीं। कभी ना कभी तो गायकवाड़ को टीम में जगह बनानी थी, और लीजिए उन्हें न्यू ईयर का गिफ्ट मिल गया। न्यू ईयर ईव पर टीम अनाउंस हुई है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। क्या है उस टीम का स्ट्रक्चर और किन लोगों को सिलेक्टर्स ने किया है रफू चक्कर, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करिएगा। शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से टेस्ट सीरीज मिस कर गए थे और अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा है कि इस साल वर्ल्ड कप भी है और कुछ बड़े इवेंट लाइंड अप, इसलिए रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया और उनकी जगह कप्तानी करेंगे केएल राहुल, जिनको टीम इंडिया फ्यूचर में शायद परमानेंट कप्तान के तौर पर भी देख रही है। यही नहीं, राहुल का वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, यानी अगर कल को केएल राहुल इंजर्ड हो जाते हैं तो टीम की कप्तानी एक तेज गेंदबाज करेगा। मुझे तो याद नहीं आता कि एक प्योर तेज गेंदबाज कब भारत का कप्तान बना था। अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीम ओपनर के तौर पर शिखर धवन की वापसी हुई है, इस बात से सब लोग खुश हैं, सिवाय शिखर के जांघ के, जो अब फिर से कैच पकड़ने के बाद पीटी जाएगी, है कि नहीं? पॉजिटिवली ओके। केएल राहुल तो कप्तान है ही, उनके अलावा गायकवाड़ भी ओपनिंग कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर खेलने के लिए कोहली अवेलेबल हैं, जैसा कि उन्होंने बताया ही था। चोट से वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर, जो कि अब अपना टेस्ट डेब्यू भी कर चुके हैं, वनडे में कमबैक करेंगे। सूर्य कुमार यादव भी टीम में शामिल है। हार्दिक पांड्या को टीम में जगह नहीं दी गई है, और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स के वेंकटेश अय्यर टीम से जुड़ा एक नाम है। आपको बता दें, विजय हजारे ट्रॉफी में गायकवाड़ के अलावा वेंकटेश अय्यर ने भी गदर काटा था। अक्षर पटेल और जडेजा भी फिट नहीं है, इसलिए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। 2017 में अपना आखिरी वनडे खेलने वाले अश्विन ने टीम में वापसी करी है। उनके साथ साथ वनडे टीम में वापसी हुई है चहल की। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जसप्रीत बुमराह, सिराज, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा संभालेंगे, यानी मोहम्मद शामी को भी रेस्ट दिया गया है। सिलेक्शन मीटिंग में रवि बिश्नोई, ऋषि धवन, हर्षल पटेल, शाहरुख खान और आवेश खान का भी नाम सामने आया था, यानी आने वाले टाइम में आप टीम इंडिया में कुछ और लोगों को डेब्यू करते देख सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से करंट 18 लोगों में साउथ अफ्रीका में कौन चमकेगा? मेरे हिसाब से तो कप्तान केएल राहुल स्टैंड आउट प्लेयर होने वाले हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला तो वो भी कुछ ना कुछ उखाड़ के जरूर आएंगे। पहला वनडे 19 जनवरी को खेला जाने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कल दोपहर 1:30 बजे से जोहान्सबर्ग में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, उसका पूरा हाल चाल और बवाल लेकर हम इसी चैनल पर आएंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे बोलेंगे कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखे तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।